लोकसभा चुनाव का परिणाम अभी आना बाकी है, मगर चुनाव खत्म होते ही नालंदा के भगम देहगा गांव में चुनावी रंजिश के कारण एक होटल में कुछ लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। इस दौरान करीब 6 राउंड फायरिंग भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही नालंदा के एसपी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। होटल संचालक के अनुसार कुछ लोग आए और ये पूछते हुए कि महागठबंधन को वोट क्यों नहीं किया, इस पर मारपीट और तोड़फोड़ करने लगे। यही है कि महागठबंधन को वोट हम लोगों ने नहीं किया, इसलिए रमडीहा के सूरज कुमार, कप्पू यादव और तनेसर यादव ने हवाई फायरिंग किया इस गांव के ऊपर। 4-5 राउंड गोलियां चलाई। आग भी लगाया गया? नहीं, आगजनी वो लोगों ने खुद किया। हा? नहीं, तो मामला क्या था? मामला है कि महागठबंधन को वोट नहीं किया इसलिए। आप लोग क्या मांग? हम लोग का मांग है कि इसका उचित न्याय हो, इंसाफ हो प्रशासन की तरफ से। सड़क जाम अभी किया हम लोगों ने। वो लोग कितना लोग था ये घटना का? वो लोग 4 मोटरसाइकिल से करीब 7-8 की संख्या में थे जी। हाँ, 5 राउंड फायरिंग किया उन्होंने गांव की तरफ। संजू सूरज, हाँ, आपका क्या नाम है? हमारा नाम विक्की सिंह हुआ। क्या हो बताइए? वो लोग इतना मन बड़ू है सर कि हमारा डर है कि प्रशासन चल जाएगा फिर चढ़ाई कर देगा। हाँ, इतना मन बड़ू है। विवाद वही इलेक्शन वाला है, ज्यादा लोग इसका वोट नहीं दिया इसलिए। और क्या, और विवाद क्या रहेगा? मेन विवाद यही है। क्या हुआ आगे? क्या हुआ आगे? वो लोग राइफल लेकर के और तुरंत कहा है तू लोग नहीं था, तुम्हारा गुलाम है हम, सवाल ही है हमारा जो मन में होगा वो ना करेंगे जी। हैं गोले इंसान का गोले देखो वो बाल जब भी सर बोला था बाल बुतुल औरत बनी आता है तो हम लोग कुछ नहीं इज्जत से बेचारा पहुँचा देता है। नहीं, गोली लगा, गोली चलाया लोग, राइफल लेके आता है यहाँ बाजी मोड़ पर आकर बाजी मारता है। मेरा नाम पप्पू सिंह है। ठीक है, ठीक है, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, हम वीडियो बनाए हैं। पूरा एकदम घूमती पूरा का आ गया। आइए अंदर आइए ना। यार देखिए, ये बैंक के बोल में कोई देने लगा होता है आके ये होता तोड़ दिया।